नॉर्मल ड्यूटी से अपना आर्मी में जीडी से भर्ती हुआ था, तो वहाँ पे मुझे जनरल ड्यूटी जो भी आर्मी की ड्यूटी होती है वो करनी थी, तो मैं ड्यूटी कर रहा था वहाँ पे। फिर मैंने 2013 में ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद मैं यूनिट पहुँचा, यूनिट सिक्किम में थी और उसके बाद राजस्थान चली गई। तो दो जगह पे मैंने ड्यूटी करने के बाद, जैसे यूनिट में गेम्स हो रहे थे क्रॉस कंट्री वगैरह, तो मैंने जैसे दूसरे प्लेयर को देखा कि ये क्रॉस कंट्री दौड़ते, तो क्या मैं भी ऐसे दौड़ सकता हूँ क्या, तो मैं उनको देख के ही लगा कि मैं भी गेम स्टार्ट करना है। उसके बाद उसी समय 2016 में ओलंपिक्स का ये चल रहा था, क्वालिफिकेशन पीरियड चल रहा था, तो वो टी वी पे डेली आता था, मतलब उसमें कि आप जैसे कि हमारे इतने एथलीट ने क्वालिफाई किया, फिर ये हमारी टीम जा रही, इतने एथलीट जा रहे। फिर उसके बाद मैंने वो ओलंपिक्स टीवी में भी देखा था कि इंडिया की तरफ से हमारे देश से एथलीट ये कर रहे, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे कंट्री को। तो मेरा भी ऐसे सपना था कि मैं भी मतलब ऐसे खेलूँ, अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अभी गेम स्टार्ट करूँ। गरीब फैमिली से आता था, तो उसमें मैं आर्मी ज्वाइन की इसलिए कि अपने परिवार की सहायता होगी। और उसके बाद आर्मी में जैसे ज्वाइन किया, तो आर्मी में मुझे उस समय लगभग 18,000-20,000 पेमेंट आती थी मेरी। तो उसमें अगर गेम स्टार्ट करना था मुझे, तो घर की स्थिति मतलब ये होने के कारण मुझे घर में भी पैसा देना पड़ता था, तो उसमें घर में पैसा देना है कुछ मतलब ये होता था, तो मेरे पास सब कुछ मिला के पैसे नहीं बचते थे। तो मैं अगर एक शूज़ भी लेना है तो मैं सोचता था कि मैं कैसे लूँगा, तो उसके लिए मुझे 2-3 महीने सोचना पड़ता था कि अभी ये शूज़ लूँ या ना लूँ, या किसी से पैसे उधार लेके फिर लेता। अमरीश कुमार सर से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? मैं जब वहाँ पे क्रॉस कंट्री खेल के हैदराबाद में आया था, तो 2017 में मैंने क्रॉस कंट्री नेशनल खेला था, उसमें मेरी 5th पोजीशन थी। तो 2017 में जब क्रॉस कंट्री खेल के आया, तो उसके बाद अमरीश को उनसे मेरी बात हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन अमरीश कुमार सर से है कि सर हमारी आर्मी में इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, लेकिन आपने अविनाश सर को ही क्यों सुना? उसको पीछे था जब ये क्रॉस कंट्री दौड़ रहा था, लड़की तो काफ़ी अच्छे थे, इंडियन आर्मी का कंपटीशन था, लेकिन इसकी जो मसल थी और बॉडी का जो डेवलपमेंट था और जिस जगह से ही संबंध रखता है नीड से, वो काफ़ी हार्ड जगह आती है। और भाई जब एक गरीब परिवार से बच्चा आता है, तो मजदूर परिवार से, तो वो काफ़ी हार्ड वर्कर होता है। तो इसके वो सपने थे कि मेरे पापा मम्मी इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो इसके ब्लड में है। तो उसको देख के हमने कहा भाई ये लड़का है कि जो ओलंपिक में मेडल दे सकता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अविनाश सर से है कि 2012 और 13 में जैसे हमने सुना है आपका सपना था या एक इच्छा थी, ज़रूरत मानिए कि आप ब्रांडेड शूज़ जैसे नाइक वगैरह के शूज़ पहनना चाहते थे, वो समय है और आज का समय है जब हर कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट्स देना चाहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पॉन्सर करना चाहती है, तो उस समय को और आज के समय को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अभी कोई भी प्लेयर के लिए मतलब जो स्टार्ट होता है वो बहुत मुश्किल होता है, उस समय उसके पास कुछ भी नहीं होता, जैसे बाद में आपके पास हर चीज़ आएगी, जैसे मान लो कि कोई आपको हेल्प करना चाहेगा। अभी वो टाइम ऐसा था कि कोई मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, उसमें भी मेरी पेमेंट भी बहुत कम आती थी, तो उस समय मैं अपने घर को देखना और ये जैसे ब्रांडेड शूज़ वगैरह नाइकी का ये पहनना, मतलब ये था कि इसको नहीं पहन सकते थे हम, तो जैसे भी जो भी नॉर्मल शूज़ है उसको खरीद के उसी पे प्रैक्टिस करता था। और जी और सर हर एथलीट के एक जीवन में एक समय आता है जहाँ वो सोचता है कि मैं छोड़ दूँ या गिव अप कर दूँ या और अपना सेट हो जाऊँ या फिर कोई और जॉब ढूँढ लूँ, ऐसा समय आया आपके जीवन में कभी सर? आज ऐसा समय तो मेरे जीवन में आया था जब 2018 का एशियन गेम्स था, तो उससे पहले मैं स्टीपल चेस में नेशनल में मतलब चैम्पियन हुआ था, मतलब मेरा उसे वो फर्स्ट साली था, तो 8:39 की भागा था मैं। तो उस समय ऐसे लग रहा था कि मुझे कि मैं एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ले लूँगा। तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस करते रहा, तो उस समय मुझे इंजरी आई, एंकल में इंजरी आई। तो एंकल में इंजरी आने के बाद मुझे मतलब बहुत ये हुआ, मैं अपने हर कोशिश की इंजरी ठीक करने के लिए जैसे फिजियो को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो 2-3 महीने इंजरी ठीक नहीं हुई। और एशियन गेम्स नज़दीक आ रहा था, जैसे कि एशियन गेम्स की ट्रायल्स हो रहे थे, तो
दो महीने बच गए, तीन महीने बच गए, तीन महीने से मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा था कि उसको ठीक करो, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे मैं डेली ऐसे सोच रहा था यार कि मैं कैसे कर पाऊँगा, इतना बड़ा मेरे लाइफ में मतलब एक इवेंट आ रहा है और मैं उसके लिए मतलब मैं अगर ये इवेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा या मेडल नहीं ले पाऊँगा। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की, लास्ट दम तक कोशिश की, लेकिन मेरी इंजरी ठीक नहीं हुई, लास्ट 10-15 दिन भी नहीं हुई। तो मैं उस समय ये सोच रहा था कि या क्यों मैं गेम क्यों करूँ, मतलब अगर मुझे मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मुझे देश के लिए मेडल लेना है, वो अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं मतलब बार बार सोचता था कि यार इससे अच्छा तो मैं अपना ये गेम छोड़ के फिर से ड्यूटी कर लूँ। जब मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं वहाँ पे ट्रायल्स में मैं फोर्थ हो गया, तो उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं जहाँ से मैं एशियन गेम्स खेलने जा रहा हूँ वहाँ उस ट्रायल में मैं फोर्थ हो रहा हूँ। और मतलब